वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, और मैं हूं सहानी। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को एक्सफोलिएटिंग कैसे करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, यानी उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो रेड सब्सक्राइब बटन दिख रही है ना आप लोगों को, उसको प्रेस करना है, और जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात तो हम लोगों को एक्सफोलिएटिंग यानी कि स्क्रबिंग हम लोगों को कब करनी चाहिए। गाइस एक्सफोलिएटिंग हम लोगों को हफ्ते में 3 बार करनी चाहिए मानसून के सीज़न में, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पिंपल्स, ऑयल एंड यू नो बैक्टीरिया हमारी जो स्किन के अंदर चले जाते हैं तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को मानसून में स्क्रबिंग 3 बार करनी चाहिए। ओके, अब हम लोगों को स्क्रबिंग क्यों करनी चाहिए, बिकॉज स्क्रबिंग से एज यू ऑल नो आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव होती है, आपके स्किन पे ग्लो आता है, शाइन आता है, और आपकी जो स्किन है काफ़ी हद तक साफ दिखने लगती है, काफ़ी हद तक अच्छी दिखने लगती है। स्क्रबिंग भी आपकी CTM का ही रूटीन है, इसलिए स्क्रबिंग को हम लोगों को बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लेंजिंग करने के बाद, टोनिंग करने के बाद आप लोगों को हमेशा स्क्रबिंग भी करनी चाहिए। स्क्रबिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने फेस वॉश, बिकॉज फेस वॉश कभी भी एक स्क्रब का वर्क नहीं कर सकती है। चाहे आप लोग जितना भी अच्छा फेस वॉश ले आए, महंगा से महंगा फेस वॉश ले आए, बट जो बात जो जो वर्क स्क्रब कर सकता है वो कभी भी फेस वॉश नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ आप लोग या तो हफ्ते में 3 बार स्क्रबिंग करें, या फिर आप रात में डेली स्क्रब्स जो आते हैं मार्केट में आप उसको डेली करें। ओके, अब हम लोगों को हम लोगों ने ये जान लिया कि स्क्रबिंग हमें क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। सो स्क्रबिंग हम लोगों को गाइस बहुत जेंटली करनी चाहिए, और ऐसा हम जेंटल हाथों से तो स्क्रबिंग करेंगी, बट अब बात यहाँ आती है कि स्क्रब भी तो जेंटल होना चाहिए। अब जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे DIYs में या बहुत सारे फेशियल्स में मैंने ये देखा है कि हम लोग शुगर और सॉल्ट के स्क्रब को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस उससे आपकी स्किन है वो डीपली क्लेंस होती है। तो क्या ये जो मार्केट के जो स्क्रब्स हैं क्या इनसे वो बात नहीं हो पाती? बिकॉज गाइस शुगर, ये सॉल्ट, ये नहीं, ये सब हम लोगों को अपनी स्किन पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपकी जो स्किन है वो सहन नहीं कर पाती है, और जितनी मतलब आप जितने भी जेंटल हाथों से करोगे ना, जितने भी इसको आप मैश कर लोगे, पीस लोगे अच्छे तरीके से, तब भी उसका जो दर्दरापन होगा ना वो आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं पिंपल पैदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि अगर आप शुगर या कोई सॉल्ट ऐसे हार्ड स्क्रब्स को आप यूज़ करेंगे घर पे तो आपकी स्किन पर रेडनेस, पिंपल और स्वेलिंग तो आनी ही। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सस्ते के चक्कर में प्लीज़ ऐसे घर के स्क्रब्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप लोग सस्ता स्क्रब चाहते हैं तो मैं कुछ उसके जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेक कर लेना। बट आप अपनी स्किन के संग इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जेंटल है। अगर आप लोगों ने ज़रा भी ज़बरदस्ती करी उसके संग स्क्रबिंग के टाइम में, ज़रा भी आपकी स्किन को नुकसान हुआ तो आपकी स्किन में पिंपल्स, एक्ने के आने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरी फैमिली यूज़ करती है, वो है यहाँ पे IMC का बॉडी शाइनर। बेसिकली ये आपकी बॉडी और स्किन दोनों के लिए अच्छे तरीके से यूज होता है, और इसकी जो क्वांटिटी है ये काफ़ी है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट हम लोग इसको, मैं लोगों को दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। बहुत अच्छा स्क्रब है ये, और इस स्क्रब की खास बात ये है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं और अच्छा है। मतलब ये स्क्रब काफ़ी हर्बल है। इसकी जो कॉस्ट है 495 रुपीज़ है, बट अगर आप IMC के मेंबर हैं यानी कि आप IMC में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये 350 या 300 रुपीज़ में मिल जाता है। ओके, और ये 100% ऑर्गेनिक है। इसकी जो क्वांटिटी है ये है 200 ग्राम, और आपको नेट वेट में ही कम लग रहा होगा 200 ग्राम, बट गाइस इतना सा लो आप, ओनली जस्ट पी साइज अपने फेस पर आप इसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे तरीके से आप इसको स्क्रब करिए और आपकी स्किन पे इतने अच्छे तरीके से ये डीपली क्लेंस कर देगा ना, जो शाइन आपको मिलेगी
ऐसा लगेगा कि आप उसको पार्लर से फ्रेश लेकर आके आए हो। सो इसीलिए आपको ये इसका एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।